हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यूट्रीग्लो सनस्क्रीन फेयरनेस लोशन का रिव्यू। ये सनस्क्रीन भी है प्लस फेयरनेस लोशन भी है। ये SPF 40 PA ट्रिपल प्लस के साथ आता है। ये UVA UVB से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो फ्रेंड, अभी पीक समर सीजन है और बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, स्किन पर बहुत जल्दी टैनिंग की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ऐसे में हमको सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। तो सनस्क्रीन जो है बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल है, कोई सस्ता है तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी है। ये वाला जो न्यूट्रीग्लो का सनस्क्रीन है काफ़ी अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, प्लस ऑल स्किन टाइप सूटेबल है। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, सब टाइप की स्किन पे ये सूट करता है। और इसका MRP है 275 रुपीज़, बट ऑनलाइन में जो है 150 या 160 रुपीज़ में ईजिली मिल जा रही है। तो इसका नेट क्वान्टिटी है 120 ml, जो कि काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है इसकी, और सेल्फ लाइफ जो है 3 साल की मिल जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड, ये सनस्क्रीन जो है सन प्रोटेक्शन का तो काम करती ही है, प्लस ये फेयरनेस लोशन भी है, ये फेयरनेस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ ये नॉन स्टिकी है, इसको लगाने के बाद स्किन पर जो है किसी तरह का चिपचिपापन नहीं लगेगा, एंड ये ऑयल को भी कंट्रोल करता है। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए भी ये सनस्क्रीन जो है बेस्ट है। ये स्वेट फ्री है एंड रिफ्रेशिंग फार्मूला के साथ ये आती है, तो इसको लगाने के बाद पसीना नहीं आएगा और स्किन जो है फ्रेश हो जाएगी। तो इसको लगाने के बाद स्किन पर जो है टैनिंग भी नहीं होगी, तो एजिंग से बचाएगी। जो यूवी रेस के कारण स्किन पर जो एज से पहले जो एजिंग की साइन दिखने लगते हैं उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगी, तो प्लस से डैमेज स्किन को रिपेयर करेगी, स्किन पर जो है फेयरनेस प्रोवाइड करेगी, डलनेस को दूर करेगी, एंड स्किन को जो है UVA UVB रेस से भी प्रोटेक्ट करके रखेगी, ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें किसी तरह का पैराबेन का यूज़ नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका टेक्सचर जो है ऐसा मिल्की क्रीमी फॉर्म में है और इसका फ्रेगनेंस भी जो है काफ़ी अच्छा है। प्लस बेस्ट पार्ट ये है कि स्किन पर किसी तरह का ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, तो इजीली स्किन पर जो है पेनिट्रेट हो जाती है। इसे ना आपको बाहर जाने के 15 से 20 मिनट पहले अपने फेस पर लगा लेना, एंड अगर आपको बाहर बहुत ज़्यादा काम है धूल मिट्टी में, सनलाइट में, तो एवरी 2-2 घंटे में जो है रीअप्लाई ज़रूर कर लेना है। सनस्क्रीन का 2 घंटे बाद जो है असर कम होने लगता है, तो इसलिए बार बार अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फ्रेंड, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये सनस्क्रीन, सस्ती भी है, प्लस SPF 40 PA ट्रिपल प्लस भी है। जिनको सस्ती सनस्क्रीन चाहिए अच्छी ब्रांड की, तो इसमें जा सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।